पार्ट ऑफ स्पीच, उसकी शुरुआत मैं आज करने जा रहा हूँ। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, बी सीरियस, स्टडी फॉर योर सेल्फ एंड डू नॉट टेक अ सिंगल ब्रेक इन दिस वीडियो। एक भी ब्रेक आपको नहीं लेना है। इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखना, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, एटलीस्ट 22 मिनट्स में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाला हूँ आपके लिए। हम टुकड़ों में कंप्लीट करेंगे, 2 से 3 दिन हम लेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आपको अच्छे से देखना है। मेरे ख्याल से आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। और फिर भी अगर वीडियो के दरमियान अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ मुझे कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आने वाले हर एक क्वेरी का आपको आंसर दिया जाएगा। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने हाथ में एक पेन और एक रजिस्टर लेकर के आप बैठें, ताकि जब आप सीरियसली पढ़ाई करें तो उन चीज़ों को आप हैंड टू हैंड उसी वक्त आप लिख सकें जब आपके सामने वो चीज़ें इस वाइट बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले की जा रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। पार्ट ऑफ स्पीच को अक्सर हम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में छोड़ देते हैं। छोड़ने का रीज़न ये है क्योंकि ये कोई बड़ा नाम नहीं है, और अक्सर बड़े नाम को ही हम ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन आजकल जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें पार्ट ऑफ स्पीच की अगर इंपॉर्टेंस देखें तो शायद इसने अपना एरिया एक हद तक कवर कर दिया है। रीट के अंदर भी इस टॉपिक को आपको डाला गया है और ये आपके कोर्स के अंदर आया है। तो आप ये मान के चलें कि लास्ट एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चंस आए थे उसके अलावा इस बार भी जो क्वेश्चंस पुट अप होंगे पार्ट ऑफ स्पीच से, दिखने में बहुत इजी क्वेश्चन है, वो दिखने में बहुत इजी होंगे, रियली बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन जब आप उसके आंसर जब आप उसमें से सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन में से, तो शायद उसमें हमारी मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप सीरियसली पढ़ें। आपका फर्स्ट टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के लिए। किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि इस टॉपिक के टाइटल को, उसकी हेडिंग को अच्छे से समझ लीजिए, और इसकी हेडिंग जो उसको आप समझ लीजिए पार्ट ऑफ स्पीच। इट मीन्स वी विल स्टडी दिस टॉपिक इन सम पार्ट्स, हम इसे टुकड़ों में पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं तो हम सेंटेंसेस की बात करते हैं, हम सिंथेसिस की बात करते हैं, बट हम शब्दों पर फोकस नहीं कर पाते हैं। और फोकस इसलिए नहीं करते कि हमें लगता है कि शब्द क्या है, वो तो कोई भी पढ़ा देगा या पढ़ लेंगे या समझ लेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ हमें शब्दों का अध्ययन करना है। तो पार्ट ऑफ स्पीच को अगर मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊँ तो वो सब क्या है, शब्दों का अध्ययन। आपको शब्दों का अध्ययन करना पड़ेगा, एंड इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। मेरे यकीन करिए आप लोग कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, जब यार इतना इजी था, मैं यूं ही इसके बारे में टेंशन ले रहा था। पार्ट ऑफ स्पीच हम डिस्कस करते हैं, हमें पता पड़ता है, इसको हम शुरू से देखते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। हम कितने पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, इंग्लिश के अंदर 8 पार्ट ऑफ स्पीच है जिसे हमें अच्छे से उसको स्टडी करना है, समझना है, और समझने के साथ साथ हमारा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसे भी बढ़ाते चलना है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, दे आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश एंड वी विल स्टडी ऑल ऑफ देम वन बाय वन। टुडेज टॉपिक इज व्हाट, नाउन। हमें नाउन को समझना है, ना केवल समझना है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना भी है, क्योंकि नाउन के बारे में हमें जो पता है वो उतना ही पता है जितना कि क्लास 10th और 12th लेवल तक पता होना चाहिए। अब यहाँ केवल पता करने से काम नहीं चलेगा, आपको चीज़ों को जानना होगा, समझना होगा, और उन्हें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर उतारना भी होगा कि हाँ प्रैक्टिकली मैं किसी भी चीज़ को अगर पहचानूँ तो वो नाउन क्या होगा। तो मैं बात करूँ, अगर आपके स्कूल लेवल की तुमने पढ़ा होगा नाउन क्या है, तो आप बोलेंगे नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन
प्लेस, एनिमल और थिंग्स, यही बोलेंगे। लेकिन इसके आगे कहानी शुरू होती है, ये तो सब है ही है। साथ में जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एंड ह्यूमन इमोशंस एंड आइडियाज़ ऑल्सो। इसमें ह्यूमन इमोशंस और आइडियाज़ भी शामिल होते हैं, और वहाँ जा कर के हम थोड़ा सा तकलीफ में आ जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि वो सारी चीज़ें नाउन है या नहीं है। तो नाउन को भी हमें जस्टिफाई करना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब देखते हैं हम कि नाउन की वो डेफिनेशन जिसे आप बोलते हैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन या फिर पारंपरिक परिभाषा। तो हम बोलते हैं नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ किसका, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इतनी परिभाषा आप लोग पढ़ते हैं, डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ हम नहीं पढ़ पाते हैं वो क्या है एक्स्ट्रा, वो आप देखिए, ह्यूमन इमोशंस एंड आइडियाज। इसके ऊपर भी हमें स्पेशली फोकस करना होगा कि ये भी नाउन है। तो इन वन वर्ड अगर मैं ये कहूँ कि आखिर नाउन होता क्या है, तो हम ये कहेंगे कि वन वर्ड में या शॉर्ट फ्रेज में हम बोलेंगे नेमिंग वर्ड्स, हर वो शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या इमोशंस को आइडेंटिफाई कर दे। मेरा ये शब्द पकड़ लेना कि जो चीज़ आइडेंटिफाई करती है वो नाउन होता है। किसी भी वस्तु को, स्थान को, व्यक्ति को, इमोशंस को जो आइडेंटिफाई करे वो नाउन होता है। अब आइडेंटिफाई किसी भी तरह से किया जा सकता है। तो यहाँ तक आपके सामने डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि व्हाट इज़ अ नाउन। नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, नाउन इज द आइडेंटिटी। अब हम बात करते हैं द काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, कौन कौन से नाउन होते हैं जो एग्ज़ाम्स में हमारे आने वाले हैं और जिनके बारे में अध्ययन करना है। तो यहाँ हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। बहुत ही ईजी वे में, शॉर्टकट वे में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको चीज़ों को, जहाँ आपको लगे कि यहाँ मैं आइडिया को कैच कर पा रहा हूँ, यहाँ मैं अपना एक शॉर्ट ट्रिक लिख पा रहा हूँ, तो देन आफ्टर यू विल राइट डेफिनेटली, उसी वक्त आप लिखें। लेकिन इस वीडियो को आप देखते वक्त सीरियसली एक ही बार में समझें, बार बार कि आप बेगार नहीं रखें अपनी कि मुझे बार बार पढ़ना है और देखना है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ काइंड्स ऑफ नाउन के अंदर, प्रॉपर नाउन और सेकंड कॉमन नाउन। प्रॉपर और कॉमन नाउन को हमें कंपैरेटिवली पढ़ना पड़ता है। और एक बात मैंने बताई थी आपको कि नाउन क्या है, नाउन इज आइडेंटिटी, एक पहचान है। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की आइडेंटिटी क्या हो, प्रॉपर आइडेंटिटी। तो प्रॉपर नाउन से हम ये समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर आइडेंटिटी, ये लीजिए, ये आपकी डेफिनेशन आपके सामने है, एक ऐसी आइडेंटिटी जो प्रॉपर हो। और कॉमन से हम क्या समझेंगे, एक ऐसी आइडेंटिटी जो कि क्या हो, कॉमन हो। कॉमन आइडेंटिटी, अब इसे समझना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। एग्जाम में लिखा हुआ होगा, अंडरलाइन किया हुआ होगा, आप देखते ही समझ जाना कि वो नाउन कॉमन है या फिर वो नाउन प्रॉपर है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप देखते जाए और चीज़ें क्लियर होती जाए तो फिर आप अपने रजिस्टर में मेंशन करें। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉमनली बॉय बॉय गर्ल सिटी विलेज एट्सेट्रा। ये मैंने चार कॉमन आइडेंटिटी लिखे हैं, कॉमन नाउन की बात की है मैंने, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात कर रहे हैं, लड़का, लड़की, शहर और गांव। अब इन्हें मैं प्रॉपर आइडेंटिटी में लेके आ जाऊँ तो प्रॉपर में मैं क्या देखूँगा कि एक बॉय है, उसका नाम मुझे पता है, उसका नाम है राजू। एक गर्ल है, उसका नाम मुझे पता है, उसका नाम है हिना।
शहर मुझे पता है, शहर का नाम है ब्यावर। विलेज का नाम मुझे पता है रामगढ़। तो ये क्या देखा मैंने, मैंने देखा कि एक काइंड्स ऑफ नाउन के अंदर जब मुझे कोई चीज़ मेरे सामने आई तो मैंने कहा कि वो एक लड़का है, बट किसी ने कहा कि वो एक राजू है, मैंने कहा कि ये लड़की है, किसी ने कहा कि ये हिना है, मैंने कहा कि ये शहर है, किसी ने कहा कि ये ब्यावर है, तो मैंने कहा कि ये विलेज है, तो किसी ने कहा कि ये गांव है। इसका मतलब जो मेरी नॉलेज थी, जो मेरी आइडेंटिटी थी वो कॉमन थी, और जो मेरे साथ में जो बंदा था उसकी आइडेंटिटी क्या थी, वो प्रॉपर थी। इट मीन्स ही नो प्रॉपरली दीज थिंग्स, वो इन चीज़ों को प्रॉपरली जानता था, उसने प्रॉपर आंसर दिए, तो फिर हमारे सामने प्रॉपर पहचान आई। अब यहाँ पर केवल दो बातें ध्यान रखने वाली है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बता देता हूँ आपको दो बातें। पहली चीज़, जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे उनका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। हमेशा प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगन्स विथ ए कैपिटल लेटर। नंबर सेकेंड, प्रॉपर नाउन नेवर चेंजेस इनटू प्लूरल फॉर्म। प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, बहुवचन नहीं बनता है। कॉमन नाउन कैन बी चेंज इनटू प्लूरल, कॉमन नाउन का बहुवचन बनाया जा सकता है। चीज़ें याद रखने वाली है, मैं लिखवा दूंगा आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो क्या लिखा हमने, बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। एंड दूसरा, कॉमन नाउन कैन बी चेंज्ड इनटू प्लूरल बट नॉट एनी प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन कैन बी चेंज्ड, कॉमन नाउन, यहाँ कॉमन नाउन की बात हो रही है, ठीक है ना, हम कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं। कॉमन नाउन कैन बी चेंज्ड इनटू प्लूरल बट नॉट एनी प्रॉपर नाउन। कोई भी प्रॉपर नाउन प्लूरल में चेंज नहीं होगा। कीप दिस डेफिनेशन एंड इन्फॉर्मेशन सेफ इन योर रजिस्टर, लिख लीजिएगा इसको। हो सकता है रीट में थ्योरेटिकल आंसर आ जाए, प्रैक्टिकली ना पूछे, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थियों का कॉमन आइडेंटिटी, प्रॉपर आइडेंटिटी, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, इनके बारे में आपका फंडामेंटल क्लियर है। अब मैं इसके बाद दूसरे नाउन लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने, काइंड्स ऑफ नाउन जो इनके बाद हमें पढ़ने हैं, वो हैं कलेक्टिव नाउन एंड देन आफ्टर मटीरियल नाउन। अब इसे हम वन बाय वन पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। वर्ड्स कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं उसे आप देखिए। कलेक्टिव नाउन को जब मैंने लिखा तो जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो उसके हेडिंग और टाइटल को बहुत अच्छे से देखना होता है। तो हमने देखा कि कलेक्टिव नाउन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है कलेक्शन से। इट मींस जो चीज़ हमेशा कलेक्शन में रहें, कलेक्टिवली रहे, इट मींस ग्रुप में रहें, वो कहलाएगा कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो अब हम अध्ययन कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किस में होते हैं, ऑलवेज बी इन ग्रुप। Always comes in a group, हमेशा किसी न किसी समूह में आते हैं। It means आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे collective noun denotes a group। ये हमेशा किसी न किसी
ग्रुप की ओर इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बात करता हूँ, फिर से समझेंगे हम। क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि सभी कलेक्टिव नाउन जो अपने साथ में एक कलेक्शन को लेकर के चल रहे हैं, उनका फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार है। कलेक्टिव नाउन में यूज़ में आने वाला कोई भी नाउन हमेशा प्लूरल होता है। आप ध्यान रखिएगा, प्लेयर्स, स्टूडेंट्स, माउंटेन्स, शिप्स एंड शीप। शिप का प्लूरल शीप ही होता है, इसमें एस नहीं लगता है। कॉमन नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। अब प्लेयर्स का कोई ग्रुप है तो वो क्या कहलाना है? उसे टीम कहेंगे। विद्यार्थियों का समूह है, पढ़ रहा है, वो क्लास कहलाएगा। पहाड़ों की कोई श्रृंखला है तो वो रेंज कहलाएगी। कोई जहाजी बेड़ा है समंदर के अंदर तो उसे फ्लीट कहेंगे। और भेड़ों का कोई समूह है तो उसे हम कहेंगे फ्लॉक। तो ये इनके ग्रुप को डिनोट्स करता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाले क्या है कि ऑल द कलेक्टिव नाउन ऑलवेज कंसीडर एज सिंगुलर नाउन। ये होते समूह में हैं, बहुवचन संज्ञा इनके साथ में काम में भी आती हैं, लेकिन ये हमेशा एक वचन संज्ञा की तरह काम में आते हैं, जब तक कि इनके आगे कोई एक्स्ट्रा डिटर्मिनर नहीं लगा हुआ हो जो उसे डिटरमाइन ना करें, कोई संख्या की बात नहीं हो। जब तक एक ग्रुप एक नाउन को डिनोट करता है, लेकिन बाद में आने वाले जो ये नाउन्स हैं, प्लेयर्स, स्टूडेंट्स, माउंटेन्स, शिप्स, ये कभी कभी एग्जाम्स के अंदर हमें कन्फ्यूज करते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को आपको अपने से दूर रखना है, क्योंकि अब हमें क्लियर कर चुके हैं इस चीज़ को कि नाउन इसके अंदर प्लूरल फॉर्म में आएगा, लेकिन जो कलेक्शन है, जो कलेक्टिव नाउन है, वो अपने आप में सिंगुलर थिंग को डिनोट करता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझिए। एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न दिया है हमें, हमें टेंस से कोई इसमें लेना देना नहीं है फिलहाल, राइट नाउ हमें ये पता करना है कि वर्ब का फॉर्मेशन कैसे होगा, सब्जेक्ट के साथ में वो एग्रीमेंट कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ सम नोटोरियस स्टूडेंट्स, कुछ बदमाश बच्चों का ग्रुप है कमिंग ही है, वो इधर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ बात की जा रही है, कुछ बच्चे हैं जो बदमाश हैं, लेकिन ग्रुप कितने हैं? आर्टिकल ए, एक ग्रुप है जिसमें कुछ बच्चे हैं जो कि बदमाश हैं। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, वी आर डेफिनेटली नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स बट अबाउट देयर ग्रुप, ए सिंगल ग्रुप, उसके एक सिंगल ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? इज आएगा। हालांकि स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स को देख करके आर लगा सकते हैं, मिस्टेक हो सकती है जल्दबाजी में, बट हमारा ध्यान यहाँ जाना चाहिए प्रॉपर सब्जेक्ट की तरफ, कि सब्जेक्ट किस बात को बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखता हूँ, उसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है। सम टीम्स ऑफ प्लेयर्स, स
सम टीम्स ऑफ प्लेयर्स डैश वेटिंग फॉर अस। अब ये भी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ तो प्लेयर्स लिखा हुआ है, लेकिन टीम से आगे जो डिटरमिनर आया है वो यहाँ पर एक से ज़्यादा टीम्स की बात कर रहा है, एक टीम की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन क्या हो गया है, ये प्लूरल हो गया है। तो जो बड़ी और मोटी मोटी बात हमें समझ में आई वो ये है कि कलेक्टिव नाउन ऑलवेज कंसिडर ए सिंगुलर नाउन वैन इट हैज़ एन आर्टिकल, उसके पास में कोई आर्टिकल लगा हो और वो सिंगुलर को डिनोट करें। जब कलेक्टिव नाउन के साथ में जो ग्रुप उन्हें डिनोट करता है उसके साथ में कोई डिटरमिनर लगा हुआ हो, मैनी सम, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि वो किसी संख्या को डिनोट कर रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल आइटम्स लगे हुए हो सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रोनाउन लगे हुए हो सकते हैं, तो उसके साथ हम देखेंगे कि वहाँ पर वो बहुवचन की बात कर रहा है। तो हमेशा कलेक्टिव नाउन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, एग्जाम में एरर वाला क्वेश्चन भी पुटअप होगा इसमें से, नंबर थर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें से एरर किस प्रकार से आपको ढूंढना है वो देख लेना। तीन तरह के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, नंबर थर्ड पे मैं बात कर रहा हूँ वो देखना आपको। A swarm of bee is flying here. अब आपको इसमें एरर ढूंढना है, इस सेंटेंस में ऐसा क्या है जो इनकरेक्ट है और जो एरर को डिनोट करता है। तो हम देखते हैं A swarm of bee is flying here, इस पूरे सेंटेंस में ये swarm जो है वो मधुमक्खियों के किसी समूह को डिनोट करता है, और हमने कलेक्टिव नाउन में पढ़ा है कि जो समूह डिनोट करता है उस समूह के साथ जो संज्ञा आती है, जो नाउन आता है, द नाउन मस्ट बी इन प्लूरल फॉर्म। तो आपको ये कहना चाहिए मुझे कि यहाँ बी की जगह क्या होगा, बीज होगा, लेकिन वो नहीं दिया हुआ होगा और वो एरर हमें एग्ज़ाम के अंदर गलती करने पर मजबूर कर देगा। तो जब आप सेंटेंस पढ़ें तो इस तीसरे प्रकार की मिस्टेक को जो मैंने आपको बताया है कलेक्टिव नाउन में से पुटअप होती है उसको अच्छे से देखना और उसे क्लेरिफाई करना। तो यहाँ हमारा कलेक्टिव नाउन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हमारे सामने और भी हैं जो आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अपने बुक में से, और आपको अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसको प्रोवाइड भी करवा दूंगा सारे कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में हमारा टॉपिक क्लियर है, हम नंबर फोर की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन, हम संज्ञा के प्रकार पढ़ रहे हैं। संज्ञा के उन प्रकारों के अंदर हमने पढ़ लिया है कि व्हाट इज़ अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज कॉमन नाउन, कॉमन आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। इट मीन टू से वी विल टॉक अबाउट इन ग्रुप्स, हम चीज़ों को ग्रुप में बात करेंगे, और कलेक्टिव नाउन हमेशा किसी ग्रुप को डिनोट करता है और एक वचन संज्ञा यानी सिंगुलर फॉर्म की तरह काम में आता है। नंबर फोर पर जो हम बात कर रहे हैं वहाँ बात कर रहे हैं मटीरियल नाउन के लिए, मटीरियल नाउन। Denotes a material. Material noun means the things which we get by natural process or mining. जो चीज़ natural process और mining से प्राप्त हो वो सारी की सारी कहलाती है material noun. Material noun basically हमेशा uncountable होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मटेरियल नाउन ऑलवेज कंसिडर एन अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन इसे हम डिवाइड करेंगे दो भागों के अंदर मटेरियल नाउन को अच्छे से कि आखिर ये मटेरियल नाउन जो है वो किस तरह से दो भागों में डिवाइड होता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इट नेचुरली इन नेचुरल फॉर्म, जब ये अपने नेचुरल फॉर्म के अंदर हो तो उस वक़्त ये मटेरियल नाउन आपके लिए अनकाउंटेबल होगा। और जब इस मटेरियल नाउन से किसी वस्तु का निर्माण हो जाए, व्हेन वी फॉर्म एनी थिंग बाय द प्रोसेस एंड इट विल बी कंसिडर अ न्यूमेरिकल और प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म, तो उस वक़्त इसे हम काउंटेबल कह सकते हैं, जब इसे एक वचन और बहुवचन के अंदर डिवाइड किया जा सके, बनाया जा सके। तो
तो अनकाउंटेबल कब होगा? जब ये किस में होगा? अपने नेचुरल फॉर्म में होगा, प्राकृतिक अवस्था में होगा तो अनकाउंटेबल होगा। और जब ये किस में होगा? मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर। मॉडिफाइड फॉर्म का मतलब बदलाव की अवस्था, जब इसे बदल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पत्थर जो है वो जब तक पहाड़ में है तब तक वो अनकाउंटेबल है, वी विल कंसिडर इट अनकाउंटेबल थिंग्स। सिल्वर अनकाउंटेबल है, गोल्ड अनकाउंटेबल है, ब्रोंज अनकाउंटेबल है, ऑल द थिंग्स दे आर अनकाउंटेबल। ग्लास अनकाउंटेबल है, ग्लास भी अनकाउंटेबल है, कांच, जब तक कि वो क्या है? नेचुरल फॉर्म के अंदर है, अपनी प्राकृतिक अवस्था के अंदर है। लेकिन जब उससे वस्तुओं का निर्माण हो जाए, वेन वी टॉक अबाउट गोल्ड इट इज़ अनकाउंटेबल, बट वेन वी टॉक अबाउट रिंग, नेकलेस, इयरिंग्स, इट विल बी काउंटेबल। वेन वी टॉक अबाउट प्लास्टिक, अनकाउंटेबल, चेयर काउंटेबल। इस हिसाब से हम देखेंगे कि वुड अनकाउंटेबल है, लकड़ी अनकाउंटेबल है, पर लकड़ी से बनी हुई सारी वस्तुएं काउंटेबल हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम मटेरियल को डिवाइड कर देते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंदर। तो हम देखते हैं कि बात करते हैं गोल्ड की, सिल्वर की, आयरन की, इवन वाटर ऑल्सो, हम पानी की भी बात कर सकते हैं, पानी भी अनकाउंटेबल थिंग है। अब गोल्ड को हम काउंटेबल कैसे बात कर सकते हैं? जब हम किसकी बात करते हैं? रिंग ऑफ गोल्ड। अब क्या आप मुझे बताएंगे या किसकी बात हो रही है? तो आप डेफिनेटली मुझे कहेंगे कि हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट रिंग नॉट गोल्ड, हम रिंग की बात कर रहे हैं, यह काउंटेबल चीज़ रिंग है जो कि सोने की बनी हुई है। तो ये एक वचन है। उसी तरह से हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर के लिए भी रिंग ऑफ सिल्वर आ सकता है। आयरन की हम बात कर सकते हैं तो आयरन के लिए आयरन पॉट की बात की जा सकती है। हम वाटर की बात करते हैं, यस, वाटर का काउंटेबल कैसे बनेगा? तो पानी से हम कई बार बर्फ जमाते हैं तो हम किसकी बात कर सकते हैं? आइस क्यूब, बर्फ के वो टुकड़े जो हम ट्रे में जमाते हैं, उन्हें काउंट करके हम डाल सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो अब पानी ने अपनी अवस्था बदल ली तो वो क्या बन गया? काउंटेबल। तो मटेरियल नाउन में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि वो सारी वस्तुएं, वो सारी चीज़ें, ऑल द थिंग्स विच वी गेट सो इजीली बाय नेचुरल प्रोसेस, दे ऑलवेज बी कंसिडर एन अनकाउंटेबल थिंग। द थिंग्स विच आर बीइंग मॉडिफाइड बाई ह्यूमन एंड नेचुरल प्रोसेस, हम उसे कहेंगे मॉडिफाइड फॉर्म या काउंटेबल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, सोने से सोने की अंगूठी बन सकती है और पानी से क्या बन सकता है? बर्फ का टुकड़ा या हमारे ट्रे में जमा हुआ आइस क्यूब। इज इट क्लियर? तो ये थे हमारे मटीरियल नाउन। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम्पल में हम सब्जेक्ट के रूप में जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं। यहाँ हमने बात की है, तीन एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, वुड, वाटर एंड टू आइस क्यूब्स। वुड डैश नॉट अ वेरी सॉफ्ट मटेरियल, द
तीनों के अंदर हमें बात करूंगा बी फॉर्म की। बी फॉर्म किसे कहते हैं मैं जल्दी बता दूंगा आपको जब हम ग्रामेटिकल पोर्शन चलेंगे, लेकिन हाँ इतना हमें समझना है कि बी फॉर्म के अंदर जिन जिन चीज़ों की बात की जाती है वो बात होती है छह चीज़ों की, इज एम आर वॉस और वर की बात की जा रही है, ठीक है ना। और नंबर सिक्स जो है वो बी इट्सेल्फ, स्वयं बी की बात भी की जाती है। लेकिन चूंकि अभी तक आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं इसके बारे में बात करके आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। आज हमारा सिर्फ इतना सा काम है कि हम ये समझें कि मटेरियल नाउन को हम कैसे क्लासिफाइड और जस्टिफाई कर पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि इन तीनों के अंदर आपको क्या चीज़ फिल करनी है, आपको फिल करना है तीनों के अंदर इज एम और आर में से। क्योंकि हमारे को समझना क्या है कि मटेरियल नाउन क्या होता है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि बी फॉर्म क्या होती है। बी फॉर्म जब वर्ब का टॉपिक आएगा तो मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। तो हमें याद करना है कि वुड यानी कि लकड़ी जो कि एक वचन होती है तो यहाँ पर आप इज लगा देंगे, वाटर पानी जो कि एक वचन होता है तो आप यहाँ पर भी इज लगा देंगे। लेकिन टू आइस क्यूब्स दो बर्फ के टुकड़ों की बात की जा रही है जो ट्रे में होते हैं तो यहाँ पर पानी का रिफॉर्म पानी का फॉर्मेशन चेंज हो चुका है तो यहाँ पर हम बात करेंगे आर। टू आइस क्यूब्स आर रिक्वायर्ड राइट नाउ, अभी उनकी आवश्यकता है। तो इस तरह से मटेरियल नाउन को देखते हैं कि वो चेंज होता है हमारे सामने और आता है। हम बात कर सकते हैं थ्री बैग्स ऑफ शुगर, सॉल्ट और पेंडिंग। हम बात करते हैं थ्री बैग्स ऑफ साल्ट डैश पेंडिंग। अब साल्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन हम बात कर रहे हैं थ्री बैग्स ऑफ साल्ट, नमक के तीन बैग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये काउंटेबल हो चुका है। तो हम इसको किस में रखेंगे, काउंटेबल नाउन के अंदर। तो ये क्लियर हो चुका है कि जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं उसे दो फॉर्म में रखेंगे हम। देर आर टू फॉर्म्स ऑफ मटेरियल नाउन, नंबर वन काउंटेबल और नंबर सेकेंड अनकाउंटेबल। जब नेचुरल प्रोसेस में होंगे तब उन्हें हम उन्हें काउंटेबल में लेकर के जाएंगे। लास्ट अब हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, नंबर फाइव व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग्स। ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स के लिए जो वर्ड काम में आता है, जो आइडेंटिटी काम में आती है, जिन चीज़ों से हम हमारे इमोशंस को समझ पाते हैं, दे कांट बी सीन और टच, इन्हें देखा व छुआ नहीं जा सकता लेकिन इन्हें महसूस किया जा सकता है, वी कैन फील, वो सारे के सारे कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे आप अपनी भाषा में भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। अभी हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं आपके सामने, फिर हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस प्रकार से। इन्हें छुआ व देखा नहीं जा सकता। नंबर थर्ड इसके बारे में, दे ऑलवेज कंसीडर अ सिंगुलर नाउन, ये हमेशा एक वचन होते हैं, भावनाओं का कोई बहुवचन नहीं बना सकते, तो हम उन्हें हमेशा एक वचन में कंसीडर करेंगे। अब इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। हम यहाँ बात करते हैं ऑनेस्टी, फिर हम बात करते हैं लॉयल्टी, फिर हम बात करते हैं लव, हेट, चाइल्डहुड,
लाइफ, सैडनेस, जॉय एटसेट्रा. देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द ऑल डेनोट्स ह्यूमन इमोशंस. ह्यूमन इमोशंस की बात करते हैं. ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी, वफादारी, लव, प्रेम, हेट, नफरत, चाइल्डहुड, बचपन और लाइफ यानी कि जीवन. मैनी टाइम वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड वी आस्क देम, हम उनसे पूछते भी हैं, हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन, लाइफ कैसे चल रही है? तो कहते हैं अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है. बट वी कॉन्ट टच और सी, हम उसे छू और देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं. तो जिन चीज़ों को जनरली महसूस किया जाता है वो सारी भाववाचक संज्ञाएँ होती हैं. उनके बारे में तीन बातें मैंने आपके सामने लिखी है. ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग होती है, दे कांट बी टच और सीन, और तीसरा दे ऑलवेज कंसिडर अ सिंगुलर नाउन, वो हमेशा सिंगुलर नाउन होती है. एग्जाम में पहचानने में थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी, लेकिन जब आप भी इसको समझ लेंगे, जब मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ, इन एग्जाम्पल को पकड़िएगा अच्छी तरह से कि कौन सा आपके सामने नाउन है और कौन सा वो नाउन नहीं है, वो समझना है आपको. एक सेंटेंस लिखा हुआ है लव इज़ लाइफ, वो दूसरा लिख रहा है आई लव माई मदरलैंड. देखिए दो जगह ये वर्ड आया है लव एंड लव, इस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर. अब वर्ड जरूरी नहीं है कि जिस वर्ड को हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल दिया है वो हर बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ही काम कर रहा है. वी विल गो थ्रू द फंक्शन, हमें उसका फंक्शन देखना होगा कि वो फंक्शन कैसे कर रहा है. तो सेंटेंस जब हम यहाँ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है लव इज़ लाइफ, प्रेम ही जीवन है. तो बात किसकी हो रही है? प्रेम की. दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरे में हम देखते हैं आई लव माई मदरलैंड, मैं अपनी मातृभूमि से प्रेम करता हूँ. तो पहले सेंटेंस का जब शाब्दिक अर्थ हम निकालते हैं तो हम कहते हैं प्रेम, बात करते हैं प्रेम की, प्रेम ही जीवन है. दूसरे में क्या कर रहे हैं हम? दूसरे में हम इसका शाब्दिक अर्थ है प्रेम करना, बात हो रही है करने की. इट मीन्स ये अब नाउन नहीं है. नाउन एक भाववाचक संज्ञा होती है, कभी भी एक्शन नहीं होता, और यहाँ पर तो एक्शन हो रहा है. आई लव माई मदरलैंड, मैं अपनी मातृभूमि से प्रेम करता हूँ. और यहाँ पर लव क्या है? लव इज़ लाइफ, प्रेम ही जीवन है. इसका मतलब एक और मैं आपको बता रहा हूँ चीज़, जब भी कोई चीज़ सब्जेक्ट के स्थान पर आएगी वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा. तो यहाँ पर लव जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर है और वो प्रेम को डिनोट कर रहा है, हमारे ह्यूमन इमोशंस को डिनोट कर रहा है, केवल इमोशन की बात कर रहा है, उसकी पहचान बता रहा है. दूसरे सेंटेंस में भी बात ह्यूमन इमोशंस की तो हुई है, लेकिन वो इमोशंस एक्शन में है. हेट इज द मोस्ट डेंजरस वेपन फॉर ह्यूमैनिटी, नफरत मानवता का सबसे खतरनाक हथियार है, उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए. तो यहां पर नफरत का कोई एक्शन नहीं हुआ, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द हेट दैट इज ह्यूमन इमोशंस. बट अगर मैं ये कहता हूँ कि आई हेट ह्यूमैनिटी, मुझे मानवता से नफरत है, तो अगले सेंटेंस में मैं नफरत कर रहा हूँ. पहले सेंटेंस में मैंने केवल इमोशंस की बात करी कि एक प्रकार का एक इमोशन होता है जिसे हम नफरत बोलते हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए, तो हमने उसकी बात की. उसी तरह से यहाँ हुआ है, पहले सेंटेंस में हमने कहा है कि लाइफ क्या है, तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट लव, लाइफ वही है जिसमें प्रेम हो. लेकिन दूसरे में मैंने ये बात की है कि आई लव माई मदरलैंड, मैं अगले सेंटेंस में इमोशंस की बात ना करके इमोशंस को करने की बात कर रहा हूँ. इमोशंस अब एक्शन में आ चुके हैं. तो जब भी कभी ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन फीलिंग्स एक्शन में हो तो वो वर्ब होंगे, और जब वो आइडेंटिटी में हो, एक पहचान में हो, तो वो क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे. तो ये मेजर डिफरेंस हमारे सामने यहाँ आपके सामने निकल कर आया. यहाँ तक मुझे लगता है कि हमने जो नाउन पढ़े हैं उसमें कॉमन नाउन पढ़ लिया, प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, दोनों का हमने क्लासिफाइड कर दिया. हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया जो था कि द ग्रुप ऑफ नाउन, संज्ञाओं का समूह. हमने मटेरियल नाउन पढ़ लिया, मटेरियल मन पढ़ा अनकाउंटेबल और काउंटेबल. अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं, और काउंटेबल को प्लूरल में चेंज किया जा सकता है, बहुवचन बनाया जा सकता है. लास्ट में हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा है. तो यहाँ हमारे नाउन के वो फाइव पार्ट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे सामने क्लियर होते हैं. अब इन नाउन्स से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट हो, किसी मटेरियल की आवश्यकता हो, एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ, तो मैं आपको
अवेलेबल करवाऊँगा, लेकिन इसके अलावा कुछ अगर आपको चाहिए तो यू कैन मैसेज मी वाया कमेंट बॉक्स। अब इसके अलावा भी ये कुछ काइंड्स हमने पढ़े हैं, फिर भी नाउन की बात होती है तो वो एक जगह मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि वहाँ पर हम कैसा करते हैं, टू फॉर्म नाउन, टू फॉर्म नाउन। नाउन का कभी कभी हम निर्माण भी करते हैं, नाउन का निर्माण भी करना पड़ता है कभी कभी सब्जेक्ट के अंदर, जब किसी बात के बारे में हम इमोशंस की बात ना करके आइडिया की बात करें। हमने लिखा था द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग्स ह्यूमन इमोशंस एंड इन द लास्ट आइडियाज। किस प्रकार से करते हैं इसको समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आप थोड़ा तसल्ली से को समझना कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हैं। हम बात करते हैं, एक सेंटेंस है, रीडिंग इज गुड फॉर ऑल ऑफ यू। स्मोकिंग किल्स एनीबडी। स्टडिंग इज द हैबिट ऑफ टॉपर्स। ये मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं। एक चीज़ मैंने बातों ही बातों में आपको क्लियर की, हालांकि जब मैं एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा जब मैं और बताऊंगा, लेकिन मैंने बातों ही बातों में आपको बताया कि नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह ले सकता है। इट मीन्स इफ़ यू हैव समथिंग एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, दिस विल डेफिनेटली बी इधर नाउन और प्रोनाउन, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे सामने एक सेंटेंस है जहाँ लिखा हुआ है रीडिंग इज गुड फॉर ऑल ऑफ यू, स्मोकिंग किल्स एवरीबॉडी, स्टडिंग इज द हैबिट ऑफ टॉपर्स। ये बातें लिखी हुई हैं। पहला सेंटेंस जो है वो बात कर रहा है रीडिंग इज गुड फॉर ऑल ऑफ यू, पढ़ना हम सब के लिए अच्छा है। क्या इस वाक्य में कहीं एक्शन हुआ है? एक्शन कब होता है? जब मैं लिखता वी ऑल आर स्टडिंग, हम सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ है। वहाँ लिखा हुआ है रीडिंग इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ अस, स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन क्या मैं अभी स्विमिंग कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक आइडिया की बात कर रहा हूँ, आपको एक विचार दे रहा हूँ कि भाई स्विमिंग करो अच्छा होगा, रीडिंग हमारे लिए बढ़िया है। उसी तरह से कोई स्मोकिंग करता है, अभी स्मोकिंग नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग टू यू डायरेक्टली एंड राइट नाउ यू आर नॉट स्मोकिंग बट यू आर एडिक्ट ऑफ स्मोकिंग, यू आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग। आप अगर स्मोकिंग के आदि हैं तो जब मैं सलाह देता हूँ आपको, जिस वक्त आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं और वो एक आइडिया, वो एक सलाह जो मैंने दी आपको, वो नाउन के रूप में वर्क करती हैं। एग्जाम्पल स्मोकिंग किल्स एनीबॉडी, स्मोकिंग किसी को भी मार सकता है या मारता है। स्मोकिंग धूम्रपान करना एक्शन नहीं है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब के साथ आया है, लेकिन फिर भी वर्ब नहीं है, एक आइडिया को डिनोट कर रहा है, एक ओपिनियन रख रहा है आपके सामने। अगला स्टडिंग इज द हैबिट ऑफ टॉपर्स, जो टॉपर्स होते हैं उनकी आदत क्या होती है? पढ़ाई करते हैं। लेकिन अभी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्या है ये? तो एक आइडिया आपके सामने जनरली प्लेस किया है, तो स्टडिंग इज द हैबिट ऑफ टॉपर्स। अब इससे आपके सामने क्या चीज़ निकल कर आई है? इसके सामने एक नॉर्मल सी एक डेफिनेशन आपके सामने निकल के आ रही है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो ये है कि कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर, ये जो वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं तीनों, रीडिंग स्मोकिंग एंड स्टडिंग, इससे अब जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आए तो ये संज्ञा का काम करती है।
ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आती है तो ये संज्ञा का काम करती है और क्या देती है, अपना ओपिनियन देती है। इस वर्ड को याद रखना, ओपिनियन, आइडिया, एडवाइस, आपको सलाह मिलती है कोई, क्लियर। अब इसको कहेंगे क्या, ये तो मैंने बता दिया आपको भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, आईएनजी आ गया, सब्जेक्ट पर आ गया, ऑब्जेक्ट पर आ गया। आई हेट थिंकिंग, मुझे विचार करने से नफरत है, आई सब्जेक्ट, हेट नफरत करना वर्ब, और थिंकिंग क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। व्हाट आई हेट, मैं क्या नफरत करता हूँ, मुझे विचार करना पसंद नहीं, तो थिंकिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब थिंकिंग एक नाउन भी है जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है। तो इसको हम इंग्लिश के अंदर क्या शब्द क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आई है इसको हम कहेंगे जरंड। इस नाम को याद रखना, परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है, लास्ट टाइम नहीं पूछा था, इस बार पूछा जा सकता है। व्हेन द वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी टेक प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इट विल कंसिडर, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेती क्या कहलाती है, जिरंड कहलाती है। और इस तरह भी पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल दिया होगा, अंडरलाइन की होगी, क्या है ये, या तो लिखा होगा नाउन है, वो नाउन से भी वो एक्स्ट्रा आपसे पूछना है डीप में तो क्या कहेंगे, वो जिरंड है। तो याद रखना कि वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी सब्जेक्ट की जगह पर आएगी तो जिरंड होगी। अब लास्ट एक चीज़ अब आपको और बतानी है जो इसी से संबंधित है, इतना अगर आपको समझ में आया है तो ये भी समझ में आएगी निश्चित रूप से, क्लियर हो जाएगा। जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं, रीडिंग, स्मोकिंग और स्टडिंग, अगर मुझे जिरंड ही बनाना है और मुझे आईएनजी नहीं लगाना है, फिर भी अपना ओपिनियन रखना है, फिर भी अपना आइडिया रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली आईएनजी को ना लेकर के मैं क्या कर सकता हूँ, टू रिमूव आईएनजी, मुझे आईएनजी को हटाना है तो मैं क्या लिखूँगा, टू रीड, टू स्मोक, टू स्टडी। क्या किया, ज़्यादा कुछ भी, कुछ बड़ा नहीं किया है, डोंट बी सरप्राइज, इसके लिए आपको ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होना है, केवल आईएनजी को हटाया है और टू ऐड किया मैंने। जब भी किसी जिरंड को आप आईएनजी हटा करके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं तो आईएनजी हटेगा तो टू आएगा, वो भी जिरंड कहलाएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, जिरंड कहलाएगा। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर क्या हो सकता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दो बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, व्हेन दे कम एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दे ऑलवेज कंसिडर जिरंड, एंड जिरंड इज एन ओपिनियन, आइडिया और एडवाइस। एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी क्लियर द टॉपिक नाउन, नेमिंग वर्ड्स, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और एनी ह्यूमन आइडियाज एंड ओपिनियन। मेरे हिसाब से जितना भी मैंने अभी आपको आज पढ़ाया है वो सारी बातें क्लियर होगी, उसे दोबारा से एक बार इस वीडियो को वापस आप वॉच कर लें। वैसे तो मैं ही आपको सजा सलाह दूंगा कि एक वीडियो को आप एक ही बार में अच्छे से देखें, तसल्ली से देखें। मैं चीज़ों को बहुत ही ईजी वे में आप तक लेकर के आ रहा हूँ ताकि सब्जेक्ट के साथ में आपकी कनेक्टिविटी बन जाए। एक बार कनेक्टिविटी बन जाए, आप लोग सब्जेक्ट को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ, उसे आप समझ पाओ, तो उसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी हमारे को एक्सरसाइज करनी है, आई माई सेल्फ विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। हालांकि इससे संबंधित चीज़ें तो मैं आपको आज ही प्रोवाइड करवा दूंगा, कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे अपने नंबर भेज सकते हैं, आप मुझे अपना आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और इन सब चीज़ों को आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, 2 से 3 बार। मैं नेक्स्ट डे आपको दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा, थोड़ा टाइम लेंगे शुरुआत के अंदर, उसके बाद हम गति प्रदान कर देंगे अपने कोर्स को। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड एंड बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। थैंक यू वेरी मच।